और आज मैं बताने जा रही हूँ आपको एक हेल्दी रेसिपी फॉर बेबीज। और ये रेसिपी बहुत ही क्विक रेसिपी है, आप 5 मिनट्स में बनके तैयार हो जाती है और बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है। ये रिच इन फाइबर है और न्यूट्रिएंट्स तो भर भर के हैं। तो शुरू करते हैं व्लॉग की। सबसे पहले मैं उठ के ये बादाम भिगो के रखती हूँ रात को, तो फिर सुबह खाते हैं। और फिर उसके बाद मैं गर्म पानी पीती हूँ और फिर उसके बाद पीते हैं ब्लैक टी जिंजर वाली। और चलो अब बनाते हैं हम बच्चों के लिए हेल्दी रेसिपी रागी का, उसके मंडुआ भी बोलते हैं हमारे उधर। तो ये है रागी फ्लोर, मैंने 1 चम्मच लिया है, 1 से 1.5 चम्मच, और पानी में इसे मिक्स कर दिया अच्छे से, क्योंकि फिर बाद में इसमें लम्स हो जाते हैं, अगर पानी गर्म हो तो लम्स हो जाते हैं। तो ठंडे पानी में इसको मिक्स कर दिया है। तो चलो फिर इसे पकाते हैं। फिर जैसे जैसे इसमें बॉयल पानी गर्म होता रहेगा तो इसको चम्मच से चलाते रहना है, वरना फिर ये थिक हो जाता है। तो देख लेना पानी कितना डालना है, बाद में भी आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो अपनी कंसिस्टेंसी जैसे आपको चाहिए इसकी। तो देखो ये अच्छे से हो गया है, बन रहा है, ये बॉयल हो रहा है। अब इसमें 1 टीस्पून जैगरी पाउडर ऐड कर देना है, थोड़ी देर बस 1-2 मिनट और करके बंद कर देना है। तो लीजिए हमारा हेल्दी क्विक रेसिपी तैयार हो गया है बच्चों के लिए, और ये प्रेगनेंट लेडी के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, कैल्शियम रिच है और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और नेचुरल फैट है इसमें, तो बहुत ही अच्छा है। तो और फिर मैंने देसी के लिए बनाया है परांठा, मैंने नॉर्मल परांठा प्लेन परांठा नहीं बनाया, मैंने जो इसकी दाल थी, दाल ऐसे खाती नहीं है, दाल या सब्जी कुछ भी होता है तो मैं उसे ग्राइंड करके और फिर आटे के साथ गून के देसी को परांठा बना के देती हूँ, तो फिर वो परांठा खा लेती है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन लगा मुझे कि बच्चे अगर सब्जी नहीं खाते हैं, दाल नहीं खाते हैं, तो उनको परांठा बना के ऐसे ही करती हूँ आजकल। तो देखो हितेशी फिर स्कूल के लिए रेडी होके स्कूल जा रही है। अब जाके थोड़ा मैं आराम से सांस लेती हूँ, क्योंकि हितेशी के पीछे दौड़ दौड़ के ना सुबह से बच्चों के पीछे, कभी तक्षी कभी हितेशी, तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता, कुछ दौड़ती रहती हूँ सुबह से। अब जाके हितेशी स्कूल चली जाती है तो थोड़ा अच्छा लगता है। आज के व्लॉग में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।